मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव आने के साथ ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद की ओर से ईडी की छापेमारी राजनीतिक दबाव के तहत की गई कार्रवाई बताया गया है, तो वही बीजेपी ने इनको निराधार बताया है, जबकि राजद ने अंबा प्रसाद का समर्थन किया है। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में, कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊँ, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूँ बीजेपी, मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूँगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से मैं अब हम लोग को नहीं रहना है, उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का ज़रूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज़ जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं, कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल लेके गए। कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। अंबा प्रसाद ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और बीजेपी पर, निश्चित रूप से यह आरोप बड़ा गंभीर जान पड़ता है, और तभी तो बीजेपी ने भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। अंबा प्रसाद के अनुसार बीजेपी चतरा लोकसभा सीट और हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए लगातार दबाव डाल रही थी, और अंबा प्रसाद के नहीं मानने पर उसने ईडी का छापेमारी अंबा प्रसाद के ठिकानों पर करवा दिया। जिस तरह से आरोप अंबा प्रसाद ने लगाए हैं और उसके बाद से बीजेपी मुखर हो गई है। बीजेपी ने अंबा प्रसाद के आरोपों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि अगर कोई सबूत हो तो उसे पेश किया जाए। ऐसे में बीजेपी अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को लेकर जिस तरह से चिंतित है, और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनावी जुगलबंदी अब से ही जारी हो गई है। और ऐसे में बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने आरोप लगाया है कि अंबा प्रसाद के ठिकानों पर से कई जमीन की चीज़ें मिली हैं और अंबा प्रसाद जमीन के कारोबार में संलग्न लिप्त हैं। और जिस तरह से आरोप लगा है, वो आरोप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का परिचायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदित्य प्रसाद साहू ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए अंबा प्रसाद के आरोपों पर जवाब दिया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा
और राजद इस भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हैं कि जितना लूट करना है लूट लो झारखंड को, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। अब जब कांग्रेस के माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी की यहां ईडी का छापा पड़ता है तो अनर्गल बयानबाजी करने का काम करती हैं, सोते जागते राज के सत्ताधारी दलों को भाजपा का डर सता रहा है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित दलित सभी समाज सभी वर्ग को समर्पित सरकार रहेगी और मैं इस देश में न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। अंबा प्रसाद तेली समुदाय से आती हैं और उनकी जाति की बिरादरी काफ़ी संख्या में चतरा और हजारीबाग में निवास करती है। इन दोनों संसदीय सीटों में उनका वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में यही वोट बैंक ठीक बीजेपी का भी है क्योंकि वैश्य समुदाय से आने वाले लोग बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी उनको कोर वोट बैंक भी मानती है। ऐसी स्थिति में अंबा प्रसाद के आरोपों को लेकर बीजेपी उद्वेलित हो गई है। बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और ईडी की लगातार छापेमारी चाहे अंबा प्रसाद पर हो या राजद के नेता सुभाष प्रसाद यादव पर, अब नज़दीक आते हुए काफ़ी स्थितियां अब सामने नज़र आ रही हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है। बीजेपी जहां विरोध कर रही है वहीं अंबा प्रसाद का समर्थन में राजद उतर गया है। राजद के खेमे की ओर से अंबा प्रसाद के आरोपों को सही बताया जा रहा है। राजद भी आरोप लगा रही है कि ईडी के बहाने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है और इसी रणनीति के तहत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ऐसे में राजद का ये आरोप निश्चित रूप से आगे दिखाई दे रहा है। अंबा जी का आरोप सही है, वो जो आरोप लगाई है कि बीजेपी से उनको ऑफर था चुनाव लड़ने का और तैयार नहीं हुई, इसके वजह से उनके यहाँ छापेमारी हुआ। तो बताइए, अंबा जैसे बीजेपी में हमको लगता है कि लाखों लोग हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं होता है? और अंबा तो एक साधारण विधायक है, एक विधायक के यहाँ छापेमारी, सब लोग आश्चर्य कर रहा है कि ऐसे ऐसे लोग के यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है। तो आश्चर्य की बात है कि अब क्या होगा इस देश में, विपक्ष रहेगा ही नहीं। मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष को ख़त्म करो, आओ अपना हिटलर शाही राज लाओ, इसी दिशा में वो अभी काम कर रहे हैं। अब कहते हैं कि 2024 में हम 400 सीट पार करेंगे, अब क्या करेंगे देश की जनता जवाब देगी? अभी अब एक महीना टाइम बचा हुआ है। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है लेकिन जिस तरह से आरोप पर आरोप ईडी के ऊपर लग रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक हथियार के रूप में ईडी फिलहाल दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के आरोपों को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं और जो हाल के दिनों में केवल विपक्ष पर ईडी की छापेमारी हो रही है, ऐसी स्थिति में इस दावे को पूरा बल मिलता है कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ईडी की छापेमारी को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है वैसे में राजनीतिक दलों की ओर से तो लगातार ईडी की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठाया ही जा रहा था, अब जनता के बीच भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में ईडी के बहाने पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रही हैं। अब किसका दावा सही होता है और किसका दावा गलत, ये तो झारखंड सहित पूरे देश की जनता ही बताएगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।